today's class is आज हम लोग बात करेंगे प्लेस वैल्यू सिस्टम्स की। लास्ट वीडियो में हमने प्लेस वैल्यू के बारे में जाना था। प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी डिजिट की वो वैल्यू जो उसके प्लेस पे डिपेंड करती है, नंबर में उसकी प्लेस क्या है। प्लेस हमेशा प्लेस वैल्यू के लिए प्लेस जो है हमेशा राइट हैंड साइड से काउंट करनी शुरू की जाती है। तो इसमें दो तरह के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। पहली है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, दूसरी है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी भी कोई भी नंबर हम रैंडमली ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, सपोज हम इस नंबर को ले रहे हैं। इसमें राइट हैंड साइड से हम काउंट करते हैं। सबसे पहले आती है वंस, ठीक है, उसके बाद आते हैं टेंस। इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू होती है 10। फिर आता है हंड्रेड्स, इनकी वैल्यू होती है 100। फिर आते हैं थाउजेंड, इनकी वैल्यू 1000 की होती है। फिर आते हैं 10,000। फिर इंडियन वैल्यू सिस्टम में नेक्स्ट आते हैं लैख, फिर आते हैं 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, एंड देन अरब। इसमें लैख में डिजिट के आगे कितने डिजिट रिमेनिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 के आगे 5 जीरोस लग जाएंगे। 10 लाख में 1 के आगे 6 जीरोस लगेंगे। ऐसे ही करोड़ में 7 जीरोस, 10 करोड़ में 8 जीरोस, और अरब में 9 जीरोस। ठीक है, ये है हमारी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पर। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000 तक सेम रहता है। इसके बाद ये आते हैं लाख पर। लाख के बाद यहाँ 10 लाख ना कह के इसको कहा जाता है मिलियन, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, देन कम्स 100 मिलियन,
and then billion. नंबर में वैल्यूज यही रहती हैं, इनको भी नीचे ही रखा है, इनकी वैल्यूज 10 है, इसकी वैल्यू 1, ठीक है, ये रहा हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, थैंक यू.